अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं, इफ द लेंथ ऑफ द लार्जर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 55 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम मेक्स एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री एंड 50 डिग्री विद अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। कह रहे हैं पैरेललोग्राम है, कह रहे हैं उसकी क्या कह रहे हैं, लार्जर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 55 सेंटीमीटर। तो देखें पैरेललोग्राम ऐसा होता है, तो लार्जेस्ट साइड मतलब इसको कहते हैं या तो ये, तो किसी एक को क्या कह रहे हैं 55 सेंटीमीटर बोल दो। सही है, यहाँ 55 सेंटीमीटर भी से बोलते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या बना रहे हैं, दोनों जो एडजेसेंट साइड है जो हमारा डायगोनल है वो क्या बना रहे हैं, 30 डिग्री और 50 डिग्री एंगल बना रहे हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, डायगोनल्स की हमें लेंथ निकालनी है, मतलब इस चीज़ की हमें लेंथ निकालनी है। तो देखिए इसे ना हम लोग एज अ ट्राइंगल तस्वूर कर लेंगे। देखिए ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। तो हमने क्या पता है कि ए के सामने स्मॉल ए बी से लेके सी तक की लेंथ, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी ए से लेके बी तक की लेंथ, और कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी ए से लेके सी तक की लेंथ, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। ए के साथ जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्फा बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फा। बी के साथ जो होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बीटा। और सी के साथ जो होता है उसे हम बोल देते हैं गामा। सवाल के अंदर क्या कह रहे हैं कि एक कोई साइड क्या है 55 सेंटीमीटर लार्जर वाली, तो पैरेललोग्राम में ये भी लार्जर आ गई, तो इसे मैं क्या बोलता हूँ 55 सेंटीमीटर है ये हमारे पास लार्जर साइड। एंगल क्या है, दो एंगल दिए हुए, एक 30 डिग्री एक 50 डिग्री, तो एक हमारे पास 30 डिग्री है अल्फा, 50 डिग्री हो गया गामा। कह रही है तीन चीज़ें गिवन है, हमें डायगोनल की लेंथ बताओ, इसका मतलब हमें क्या बताओ, बी का लेंथ बता दो। तो जो जो गिवन है पहले मैं वो यहाँ पे लिख दूँ, क्या क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है अल्फा, अल्फा गिवन है 30 डिग्री, इसी तरह हमें साइड सी की और हमें गामा गिवन है, तो गामा लिख देता हूँ, पहले दोनों एंगल लिख देता हूँ 50 डिग्री, और हमें साइड सी की क्या है लेंथ बता रहे हैं 55 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, स्मॉल बी हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, हमेशा ट्राइंगल किससे सॉल्व होता है, या तो साइन लॉ लगेगा या तो कोसाइन लॉ लगेगा, इन दोनों में से किसी एक से सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब भी हम देखेंगे दो एंगल हमें गिवन होंगे, तो तीसरा एंगल हम लोग सबसे पहले निकालेंगे फौरन, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के अंदर अगर हम तीनों एंगल का सम करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है 180 डिग्री के, तो अल्फा और गामा हमें पता है, तो बीटा निकल आएगा, तो मैं बीटा को अलग कर लेता हूँ। बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस, वो दोनों उधर चले जाएंगे, अल्फा प्लस गामा, तो 180 माइनस अल्फा हमारे पास क्या है 30, गामा हमारे पास क्या है 50, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 प्लस 50 80, 180 माइनस 80 इक्वल्स टू 100 डिग्री, तो बीटा हमारे पास क्या आ गया 100 डिग्री आ गया। सही, तो हम देखते हैं ट्राइंगल सॉल्व करने क्या लगाएंगे, या तो साइन लॉ लगाएंगे या तो कोसाइन लॉ लगाएंगे। साइन लॉ कब लग जाते हैं, जब हमें एंगल और वही साइड पता हो, जैसे अगर अल्फा पता है और ए पता है तो हमारा लग जाएगा, इसी तरह अगर गामा पता है और सी पता है तो लग जाएगा। तो देखें इसके अंदर हमारे पास गामा भी हमें पता है 50 डिग्री है, और हमें साइड सी की लेंथ भी पता है 55, तो हम लोग साइन लॉ लगा सकते हैं। तो साइन लॉ असल में होता क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन लॉ होता है ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गामा के इक्वल होता है। अच्छा, तीन में से कोई दो यूज़ कर सकते हैं, एक तो वो यूज़ करेंगे जिसके दोनों चीज़ें पता है, वो सी और गामा वाला है, और दूसरी इन दोनों में से ये यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें बी तो फाइंड आउट करना है, तो ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या हो जाएगा, बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू हमारे पास है सी ओवर साइन गामा के इक्वल है। हमें क्या निकालना है, बी तो साइन बीटा वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ बी हमारा बराबर हो जाएगा सी साइन बीटा ओवर साइन गामा के इक्वल हो जाएगा। सी किसके बराबर है, हमारे पास सवाल में गिवन है 55 सेंटीमीटर, साइन बीटा भी हमने निकाला है 100 डिग्री, ओवर साइन गामा हमें सवाल में गिवन है 50 डिग्री, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इन सब चीज़ों को हम लोग कैलकुलेटर में रख दें, क्या है हमारे पास 55 मल्टीप्लाई बाय साइन 100 डिवाइडेड बाय साइन 50, तो हमारे पास क्या आ गया 70.706 सेंटीमीटर में अगर वो गिवन था, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, और ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।